हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, आज हम सीटेट का जो दिसंबर 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम सीडीपी का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, यानी जो 21 जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो आपका हम 16 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए हैं, 20 तारीख का डाल दिए हैं, 21 का डाल दिए हैं, 22 का डाल दिए हैं, 23 का डाल दिए हैं। आज हम 24 का क्वेश्चन लेके आए हैं, 24 दिसंबर 2022 को किस को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका सीटेट में सीडीपी में आराम से आपका 30 में आराम से पेपर वन पेपर टू दोनों में आराम से 25 प्लस नंबर आ जाएगा, समझे, 25, 26, 27 आराम से आ जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझे, आपको पूरा समझ आएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 24/12/2022, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 24/12/2022 पेपर वन का क्वेश्चन है, समझ गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम सीडीपी करवा देंगे, फिर उसके बाद हम ईवीएस मैथ और पेपर टू का भी करवा देंगे, समझे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए, यानी कौन सही कथन है। तो विकास एक आयामी और सॉरी एक दिशीय और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास परिवर्तनीय है। देखिए, हम चारों ऑप्शन डिस्कस करते हैं, पहले चारों ऑप्शन बता देते हैं, उसके बाद चारों इसका डिस्कस करेंगे कौन आंसर सही होगा, क्यों गलत होगा, ये सब चीज़। तीसरा ऑप्शन है विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। चौथा है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका दो नंबर होगा कि विकास क्या होता है, परिवर्तनीय, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट में, समझे। तो ये सही है, विकास एक देशीय नहीं होता है, ये क्या होता है, मिश्रित होता है, मिश्रित दिशा में जाता है, समझे। और एक आयामी नहीं होता है, बहुआयामी होता है, समझ गए। विकास पूर्ण रूप से तीसरा ऑप्शन है, विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से जनाबद्ध है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया से ये मतलब विकास होता है, समझे। और सभी व्यक्ति में एक जैसा गति से विकास नहीं होता, कोई आदमी 12 महीना में चलने लगता है, कोई 10 महीना में चलने लगता है, यानी अलग अलग, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। तो विकास की जो दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, कोई व्यक्ति में जल्दी होता है, कोई में स्लो होता है, समझ गया। तो इसीलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक नंबर हो जाएगा, समझे, यानी एक नंबर क्वेश्चन का आपका पहला का दो नंबर आंसर हो जाएगा कि विकास क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर अंगुलियों से पहले मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, और चौथा है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। देखिए, इसका जो आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे अधोगामी सिद्धांत प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी पहले केंद्र से जो सिद्धांत होता है, दिशा का जो सिद्धांत है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, समझे, यानी पहले हम हाथों पर कंट्रोल करते हैं, फिर अंगुलियों पर करते हैं। तो वही कह रहा है कि निम्न में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपने भुजाओं पर अंगुलियों से पहले क्या करते हैं, मांसपेशियां नियंत्रण कर पाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अधोगामी सिद्धांत हो जाएगा। शीर्षगामी में सिर से पैर की तरफ विकास होता है, समझे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दो का एक नंबर हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि शारीरिक लक्षण जैसे आँखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये किस पर डिपेंड करता था। पहला ऑप्शन है मुख्यतः पर्यावरणीय कारकों द्वारा सुनिश्चित होता है, दूसरा है वंशानुगत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखिए, ये जो है ना आपके, ये आपके शारीरिक लक्षण जैसे आँखों के रंग, ऊंचाई और बालों, ये क्या है आपके वंशा मतलब वंशानुगत होते हैं, समझे, यानी ये जेनेटिक गुण है, समझे, ये क्या है आपका जेनेटिक, यानी ये आपके अनुवांशिक गुण है, वंशागत होते हैं, यानी तीन का दो नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है चार नंबर कि डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो आप लोग जानते होंगे परिवार और परिवार के आस जो निकटतम सदस्य होते हैं वो क्या किस में आते हैं, प्राथमिक समाजीकरण में, मतलब समाजीकरण के प्राथमिक संस्था में, और स्कूल हो गया, किताब हो गया, धर्म हो गया, जनसंचार हो गया, ये सब किस में आते हैं आपको, विद्यालय, सब आपके द्वितीयक में आते हैं। तो आपका चार का आंसर क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त मतलब मूर्त वस्तु यानी जो चीज़ दिखाई देता है उस पर चिंतन करता है। तो पियाजे के अनुसार आप जानते होंगे कौन सा अवस्था में आएगा। तो पहला ऑप्शन है
वही क्वेश्चन है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्या का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। देखिए आपको पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्था दी थी, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था का जो काल था जन्म से 2 साल था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल था 2 से 7 साल था, और तीसरा जो आपका है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसका जो काल था आपका 7 से 11 साल था, और उसके बाद लास्ट जो है उसका 11 से ऊपर यानी 11 से 15 भी देता है। तो मूर्त वस्तुओं पर जो चिंतन बच्चा करता है देखकर वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जो पियाजे के अनुसार तीसरा अवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 के 3 नंबर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है छठा कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति के ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए कुछ चीज़ आप ध्यान लगाइएगा, देखिए क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन बताते हैं समावेशन, समायोजन, क्रमबद्धता, संरचना। समावेशन को ही आत्मसातीकरण या इसिमिलेशन कहते हैं और समायोजन के एकोमोडेशन कहते हैं, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा इसमें आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर आपको करवाते हैं। देखिए आत्मसातीकरण या समावेशन या एसिमिलेशन क्या होता है, जब हम अपने क्या करते हैं पूर्व ज्ञान या वर्तमान ज्ञान है उसमें हम एक और ज्ञान को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण या समावेशन कहते हैं, समझे। सिंपल कि जो हमारा ज्ञान है उसमें एक और ज्ञान को शामिल कर लिए तो क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण या समावेशन या आपका एसिमिलेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, समझ गए। देखिए अब समायोजन क्या होता है, तो एकोमोडेशन जिसे बोलते हैं। देखिए समायोजन में क्या होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है या जो मेरा वर्तमान ज्ञान है वो दोनों एक ही होता है, जब उसमें संशोधन करके हम क्या करते हैं कि जब हम नए ज्ञान को सीखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख है और उड़ सकते हैं वो पक्षी है, समझे, जिनके पंख है और जो उड़ सकते हैं वो पक्षी है, समझे। तो इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले से बना लिया, उसका ज्ञान ये चीज़ है। तत्पश्चात उसने एक चित्र में पुस्तिका में चमगादड़ देखा। चमगादड़ स्तनधारी होता है यानी वो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दूध पिलाता है और बच्चों को जन्म देता है, तो उसे स्तनधारी कहने के बजाय पक्षी कहा, समझे। तो इस स्थिति निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। देखिए अपना जो ज्ञान था उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, वो अपने ज्ञान के आधार पर उसको बोला क्या, उसको पक्षी कहा, समझे। लेकिन वो क्या था, चमगादड़ था, चमगादड़ स्तनधारी था। हाँ तो यहाँ पर तो ये हो गया समावेशन हो गया, समझे। लेकिन जब वो बोलता कोई आदमी उसको समझाता कि नहीं नहीं ये क्या है कि स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चे को प्रत्यक्ष जन्म देता है, तो जब वो अपना ये कॉन्सेप्ट जो बताया दूसरा आदमी इसको अपने अंदर समाहित कर लेता, क्योंकि पुराना ज्ञान तो उसका ये था कि जिसके पंख होते हैं उड़ सकते हैं वो पक्षी होते हैं, लेकिन अब चेंज क्या करेगा कि नहीं चमगादड़ क्या होता है कि पंख और उड़ने के बावजूद भी क्या हो पक्षी में नहीं आता है, वो किस में आता है, स्तनधारी में आता। तब ये समायोजन यानी पूर्व ज्ञान में संशोधन करता। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ सीखे हैं और गलत सीख लिए हैं, समझ ले, तो वो मतलब सीखे हुए हैं तो वो हो गया आत्मसातीकरण। जैसे मान लीजिए कोई हमको उस चीज़ को सही कर दे देगा, समझे, उसमें मॉडिफिकेशन हमको करना होगा तो क्या हो जाएगा, यानी सही करने के लिए तो हो जाएगा हमारा समायोजन हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए इसका जो कुछ आंसर होगा वो आपका 1 नंबर होगा समावेशन, समझे, समावेशन यानी एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, इंग्लिश भी देख लीजिए एसिमिलेशन। अगला क्वेश्चन है तो यानी आपका 6 का क्या नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समस्त विकास का क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की। पहला ऑप्शन है लॉरेंज कोहलबर्ग, लियो वाइगोस्की, जोरम ब्रूनर, जीन पियाजे। तो आप जानते हैं समीपस्थ विकास यानी ZPD कौन दिया था, तो आपका लियो वाइगोस्की दिया था, यानी आपका 7 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्न में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लियो वाइगोस्की विचारों में मुख्य अंतर दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों में जगत को अनुभव पर जोर देते थे जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते थे। दूसरा ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों को स्वतंत्र जीव के रूप में देखते थे जबकि वाइगोस्की उसे मुक्ता वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते थे। तीसरा ऑप्शन है
कि पियाजे भाषा के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बहुत मानते थे, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में जैविक पक्ष पर बल देते थे। चौथा है, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की बच्चे की बात आत्मकेंद्रियता होता है। देखिए चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए पियाजे जो थे वो बोले हुए थे कि बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, लेकिन वाइगोत्स्की जो बोले थे बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, तो उल्टा दे दिया है। चार नंबर ऑप्शन देते गलत हो गया आपने। तीसरा ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, देखिए भाषा पर ही जोर थोड़ा दिया था, लेकिन पियाजे आपका आपका जैविक पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया था, तो उल्टा ये भी दिया था कि इसमें लिखना चाहिए कि वाइगोत्स्की बच्चों के भाषा पर ज़्यादा जोर दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, सही है इतना, लेकिन वाइगोत्स्की बोला कि वातावरण नहीं, समाज संस्कृति को भाषा पर जोर दिया था, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। बच गया पहला ऑप्शन, यही सही हो जाएगा कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव कर पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मदद प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जो यही आपका क्या हो जाएगा, आठ का एक नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नौ नंबर, कि फातिमा तर्क देती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोलवर के नैतिक हिंदन किस चरण में है, तो ये क्या है आपका, अच्छा लड़का लड़की अभिनवीकरण, यानी आपका दूसरा जो स्तर है पारंपरिक, उसमें आपका अच्छा लड़का लड़की तीसरा होता है, समझ गए, यानी आपका नौ का तीन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दस नंबर, कि कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में क्या मददगार रहेगा। नए विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर, दूसरा है एकता आधारित अटल समूह बनाना, तीसरा है कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे पर ध्यान देना, चौथा है विद्यार्थी किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने लिए उत्तेजित करना। उच्च अंक प्राप्त करना ये सब तो क्या है, गलत बात है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, चार नंबर कट गया। तीन नंबर का रहा है कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि वाले, ये भी उच्च उपलब्धि हासिल करना बच्चों पर ध्यान देना, नहीं सभी बच्चे पर आपको ध्यान देना है, ये भी गलत हो गया। योग्यता था कि अटल समूह नहीं बनाना, फिक्स ग्रुप नहीं बनाना है, यही बच्चा आगे बैठेगा यही, तो ये भी गलत हो गया। बच गया आपका कि सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देंगे, यानी दस का एक नंबर हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम का आकलन, परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्ति पर बल, चौथा है तीसरा है पाठ्यक्रम और आकलन में लचीलापन, चौथा है बाह्य उत्प्रेरक का बार बार इस्तेमाल, बाह्य उत्प्रेरक का बार बार इस्तेमाल मारना पीटना होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है परीक्षा गया, ये भी गलत हो गया, अंक का बात करें ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं लेना है, समझे, ये भी गलत हो गया। बच गया आपका तीन नंबर की पटचर्या और आकलन में लचीलापन ले आएंगे, यानी जैसा बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, समझ गए, तो आपका 11 का तीन नंबर हो जाएगा, समझ गए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी, सहकर्मी मतलब दूसरा हो गया, सहकर्मी तो उसके साथ जो काम करने वाले हैं, यानी दूसरे के बारे में जब उसके उसके मन स्वभाव इरादा के बारे में बताएगा, मनोदशा के बारे में बताएगा, तो ऐसे बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के क्या होता है। तो देखिए इसमें दो होता है, एक इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस होता है या कोई इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए ये क्वेश्चन जब आएगा ना तो इसको इंग्लिश कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में आप फंस जाइएगा और गलती कर लीजिएगा, इंग्लिश कभी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरा है इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंट्रा में होता है कि जो अपने जब हम अपने बारे में किसी को अच्छाई बुराई बताएंगे तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होता है, समझे, और इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस जब हम किसी दूसरे के बारे में बताएंगे, किसी दूसरे के मतलब क्या हो गया कि हम अपने दोस्त के बारे में बता रहे हैं, समझे, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा इंटर पर्सनल हो जाएगा, समझे, नहीं बोलता है कि हमारे ज़िंदगी में इंटर कर गया, तो इंटर के लिए दो आदमी चाहिए, समझे, तो दूसरा के बारे में जब बताएंगे ना तो इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, जब स्वयं बताएंगे अपने बारे में तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, समझे। तो यहाँ कह रहा है दूसरे के बारे में, समझे, क्योंकि बच्चा सहकर्मी देने दूसरे के बारे में हो गया, यानी इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, यानी आपका 12 का तीन नंबर आंसर हो जाएगा, कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगा, समझे, यानी 12 का तीन नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय के संप्रदाय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखाया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मोनिका जो है मतलब विद्यार्थी को पुरुष और महिला गैर पारंपरिक कार्य, मतलब पुरुष जैसे घर से बाहर का काम करता है, महिला घर के भीतर का काम, खाना बना रही है तो पुरुष को दिखा दी और बाहर का काम करने वाला हो गया, वो महिला के लिए दर्शा रही थी, इससे क्या होगा, तो जेंडर उद्वैधता के प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, समझे, प्रोत्साहित कैसे होगा, वो घटेगा। दूसरा है जेंडर उद्वैधता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, एकदम सही बात है,
कोई भी कोई काम कर सकता है, ऐसा नहीं है घर के भीतर काम लड़कियाँ करेगी, घर के बाहर काम लड़के करेगा, समझे। तो ये भी क्या हो जाएगा, तीन सही दो सही हो सकता है। तीसरा है जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहित, तम्यता कुछ है नहीं, जेंडर आधारित आपका क्या हो जाएगा आंसर 13 का 2 नंबर हो जाएगा कि जेंडर विविधता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कोई भी अपना बदल सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है, विश्लेषण सही है, निरूपण सही है, रचना सही है, क्योंकि प्रत्यास्पर्ण मतलब आपका रिकॉल होता है तो ये क्या होगा नहीं होता है आपका उच्च श्रेणी चिंतन में, यानी आपका 14 क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मानदंड निर्देशित, मानदंड मतलब मानक निर्देश, जैसे मान लीजिए आर्मी के बहाली के लिए 158 सेंटीमीटर आपको चाहिए, समझे, 168 सेंटीमीटर चाहिए आपको, 172 जो भी हो समझे, 170-172 चाहिए, तो उससे कम होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो क्या है मानदंड निर्देशित आकलन है, इसमें क्या होता है कि अधिकतम अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना से कम होगा तो आपका क्या होगा नहीं होगा, यानी कम से कम इतना आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए कहता है ना कि आपको 33% आएगा तो आप फेल, उससे ऊपर आएगा तो पास हो, कम आएगा तो फेल हो जाएगा। तो क्या है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, एकदम सही बात है समझे, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। सतत्मकता के आकलन आधार मानने वाले परीक्षण है। तीसरा है जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाले परीक्षण है। और चौथा है कि वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे, देखिए जिसका सबसे क्रम प्रदान करना इसका नहीं सबसे अच्छा ऑप्शन है। 1 नंबर ये अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण है, समझ गए, यानी 15 का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यागजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। पहला है मानसिक मंदता, नहीं बोल सकते हैं मेंटली रूप से, चार ऑप्शन पढ़ते हैं, बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, मानसिक विकलांग और व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। देखिए किसी को आप नहीं बोल सकते कि तुम कमजोर हो मस्तिष्क से, समझे। दूसरा ऑप्शन बौद्धिक से विकलांग तो बोलना है, विकलांग वर्ड जहाँ भी आ जाए गलत जगह, तो 2-3 दिन 3 घट गया तो बच गया। 4 नंबर ऑप्शन कि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता हो, समझे, यानी बुद्धि में कुछ कमी है। 16 क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है, कौन सी विधि करा समावेशन के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन है कि विविधता को सहारना और महत्व देना, हम सही बात है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चा है उसको हम सहारेंगे महत्व देंगे। दूसरा ऑप्शन है कि सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बना रहे, सभी बच्चों में क्या है स्वाभिमान को सीखने के लिए आत्मविश्वास, भी सही है। शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बदलाव को, एकदम सही बात है। चौथा ऑप्शन है कि श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय, अलग विद्यालय में नहीं पढ़ाना है उसको, नियमित विद्यालय में ही पढ़ाना है, समझ गए। इसलिए आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है, तो 17 का 4 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं कर पाता है, सारा दिन एक पंखे के साथ अकेले खेलता रहता है, पंख के साथ राजन का यह व्यवहार निम्न में किस विकार का संकेत करता है, मांसपेशीय विकार, स्वलीन क्रम विकार, गुणज विकार, आपका गति समय विकल्प, समझे। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्वलीन यानी ऑक्टिम बच्चा हो गया, यानी अपने में क्या है कि लीन रहता है, तो उसे ऑक्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं, यानी स्वलीन क्रम विकार बोलते हैं, समझ गए। आपका डिस्क कैलकुलिया तो होता है गणितीय संबंधी विकार। अगला है क्वेश्चन कि विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाना, उलट कर लिखना और बदल कर लिखने में कठिनाई, यानी किस प्रकार की तरह इशारा करा, यानी पढ़ने संबंधित है, यानी विमर्श विकल्प होगा, यानी वाचन विकल्प हो जाएगा, यानी डिस्क लेक्सिया हो जाएगा, समझे। डिस्क्राफिया तो आपका किससे होता है, तो वो आपका लिखने से होता है, और डिस्क कैलकुलिया आपका किससे होता है, तो गणितीय विकार होता है, समझे। यानी आपका 19 का क्या हो जाएगा 2 नंबर वाचन विकल्प, समझे, 2 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है किसी चीज़ के विषय में नूतन मतलब नया होता है तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनेक अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका क्या कहलाएगा आवेशशीलता, परिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता और सृजनात्मकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, यानी बच्चा क्रिएटिव माइंड का है, समझे, क्रिएटिविटी है बच्चा में।
तो आपको क्या आंसर 20 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीर का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है, यानी गांव समाज मतलब सब्जी चीज है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जुड़ते हुए पोषण का स्तंभ प्रत्यय सीखते हैं। यह उपागमन में किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन तन है नहीं, शास्त्रीय अनुकूलन आपको पल्लव दिया था समझे, यह है नहीं, पुनर्बलन का सिद्धांत है नहीं, क्रिया प्रसिद्ध सिद्धांत आपका नहीं है, आपका बच गया ज्ञान के निर्माण में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्या, ज्ञान के निर्माण वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस उपाय पर आधारित है? तो ज्ञान के निर्माण पर है, समझ गए, यानी आपका 21 का 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिरजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह असफल होगी और इसीलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है, वैसे ही उसकी शिक्षिका उसको मंद अपेक्षाएं ही है, इससे आप सिरजा के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे, यानी पहले ही सोच लिया हमसे नहीं होगा, तो क्या है एक तरह वो आलसी तो नहीं है क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रही है, वो पलायनवादी प्रवृत्ति का भी नहीं, पलायन मतलब जगह छोड़ना होता है वो भी नहीं है, वो एक विवेकपूर्ण निर्णय है ही नहीं, तो अधिगम असाध्यता का अनुभव करें, यानी हमसे ये चीज़ नहीं सीख सकते, मैथ हमको नहीं आएगा, असाध्यता का, यानी आपका 22 का 2 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है, नहीं सहपाठी वाला बात हो गया, तो चल गया सामाजिक सांस्कृतिक आपका जो था वाई गुस्की उसी सिद्धांत का, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी, वैतिक संरचनावादी, परंपरागत कक्षा, बहुभाषीय कक्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। देखिए व्यक्तिगत होगा नहीं कि पर्सनल, ये चीज हो नहीं रहा समझे, यानी आपका 23 का 1 नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शिक्षा शास्त्रीय नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित, पहला अन्वेषण आधारित, अनुगम सही है, कथा वाचन आधारित, देखिए बच्चा कहानी कथा के द्वारा पढ़ा सकते थे, सही हो सकता है समझे, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, स्टोरी मतलब कहानी थ्रू, सही हो सकता है। वेदन, देखिए वेदन और अभ्यास निगेटिव होता है, चर्चा आधारित का ये भी सही है, यानी आप 1, 2, 4 सही है, देख लीजिए यहाँ 3 नंबर गलत है ना, तो 4 ऑप्शन में देखिए आपका पहला ऑप्शन में 3 नंबर दिया है, तीसरा में दिया हुआ, चौथा में दिया, इसलिए बच गया 2 नंबर ऑप्शन, इसीलिए आपका 24 का 2 हो जाए, इसे भी छांट सकते हैं समझे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किसी समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए मिलती जुलती समस्या को उद्धृत करना क्या कहलाता है, तो आपका अनुरूपता कहलाता है, यानी आपका एनालॉजी कहलाता है समझे, 15 का 1 नंबर हो जाएगा अनुरूपता समझे, ये सब होगा नहीं। अगला है 26 नंबर कि संकल्पनात्मक चिंतन एवं नए चिंतन की समझ को किस प्रकार सुसात कर सकते हैं, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उप प्रत्ययों को हटाकर जानकारी को सामाजिक संदर्भ पृथक करके प्रत्ययस्मरण पर अधिक बल, देखिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा कि जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, यानी 26 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही की जाने वाली त्रुटि किस ओर संकेत करती है, तो पहला ऑप्शन है अधिक वेद अभ्यास के सब चीज़ है नहीं, अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक, स्थिर कैसे बच्चा नहीं सीखता, गलत है, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक, एकदम सही बात है, बच्चों का सोच अलग होता है, हम अपने कोण देखेंगे, लगा कि बच्चा याद नहीं किया, लेकिन चिंतन में दोनों का अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों और वयस्कों में चिंतन में गुणात्मक अंतर, जो ब्याज बताया था 27 का आंसर 3 नंबर हो जाएगा समझे, बच्चों से अनुवांशिक दोनों का प्रभाव होता है, 4 नंबर तो गलती है। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, एक अध्यापिका में यह सोचना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थी के स्थान पर रखकर यह महसूस करे, तो क्या महसूस करेंगे, यह योग्यता क्या कहलाती है, इसे हम लोग कहते हैं तदानुभूति, सहानुभूति मतलब कि जो बच्चा बोल दिया उसे हम लोग सहानुभूति का, तदानुभूति मतलब बच्चा जब सोच समझ कर अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ करे वो तदानुभूति होता है, इसीलिए इसका आंसर 28 का 2 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तो बच्चों को डैश का महज होगा, यानी आपका परिणाम अनिश्चित है लेकिन आप कहिएगा असफल हो जाएंगे तो आप दुश्चिंता एनजाइटी का शिकार हो जाइएगा समझे, यानी 29 का 1 नंबर हो, 2 नंबर हो जाएगा दुश्चिंता, यानी एक ऐसी स्थिति है जहाँ परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे में क्या होगा दुश्चिंता का भाव प्रकट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा
तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। पहला ऑप्शन है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, दूसरा है मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन में विविध तरीके लगाकर, चौथा है आपका है बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण कर। देखिए यहाँ पर कराया गुणवत्ता नहीं है तो बच्चा को आप बांट नहीं सकते विविध तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से, तो नामीकरण क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं तो इसका चार नंबर हो जाएगा। ऐसे ही सब करवा देंगे, समझे, देख लीजिएगा आप लोग पूरा वीडियो। थैंक यू।